डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इन एफसीसी लैटिस ए बी सी डी एटम्स आर अरेंज एट कॉर्नर, फेस सेंटर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड रिस्पेक्टिवली, देन द बॉडी डायगोनल कंटेन्स। मतलब इन चार एटम्स में बॉडी डायगोनल कौन कौन से एटम्स को कंटेन करता है और कितने एटम्स इफेक्टिवली प्रेजेंट है एट द बॉडी डायगोनल। ए बी सी डी हमें यहाँ पे टाइप ऑफ एटम्स दे रखे हैं। एफ सी सी लैटिस की बात कर रहा है, तो अगर एफ सी सी लैटिस की बात करें इन एफ सी सी लैटिस, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या लोकेशन होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। सेंटर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट होता है ईच यूनिसेल के, एट द सेंटर ऑफ क्यूब एंड एच सेंटर पे, एंड एच सेंटर। तो दो जगह इनकी प्रेजेंस होती है, एक सेंटर ऑफ क्यूब पे और एक एच सेंटर पे। और यहाँ पे बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में? टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज प्रेजेंट एट 1/4 डिस्टेंस, मतलब 0.25 ऑफ बॉडी डायगोनल, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस अलोंग, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस अलोंग ईच बॉडी डायगोनल। तो ये इनकी लोकेशन है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सी प्रेजेंट है और डी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। यहाँ हमसे पूछा कि बॉडी डायगोनल कंटेंस, तो कोई भी बॉडी डायगोनल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए एटम्स है, एटम्स ए, वो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स। तो एक बॉडी डायगोनल में यहाँ पे दो एटम्स प्रेजेंट होंगे जॉइनिंग द टू कॉर्नर्स, ए एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बी की बात करें तो बी दे रखा है फेस सेंटर्स में प्रेजेंट है, फेस सेंटर में, तो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग इसके एक भी एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सी दे रखा है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर और प्लस कहाँ पे, एज सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। तो एज वाले एटम्स तो बॉडी डायगोनल पे लाई नहीं करेंगे, लेकिन बॉडी सेंटर का एक एटम यहाँ पे लाई करेगा ऑन द बॉडी डायगोनल। हम देख सकते हैं कि एक साइड से दूसरी साइड बॉडी डायगोनल क्रॉस कर रहा है, तो बॉडी सेंटर पे एटम वहाँ लाई करेगा और दो कॉर्नर के एटम्स लाई करेंगे। डी जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 1/4 डिस्टेंस अलॉन्ग ईच बॉडी डायगोनल, तो दोनों ही कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस के अलॉन्ग होगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये दो एटम्स डी के प्रेजेंट होंगे अलोंग बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉडी डायगोनल के अलोंग एनी ऑफ द बॉडी डायगोनल, तो यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे दो कॉर्नर्स के, तो 2a और फेस सेंटर का कोई एटम प्रेजेंट नहीं होगा, तो b नहीं होगा। एक c का एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, एंड दो एटम्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 2d। तो इस क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था बॉडी डायगोनल कंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स, तुम्हारा आंसर है 2a, c एंड 2d, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।